Jai Hind students. We are again here in the new session of yoga. Today we will be doing pranayama, which will help you all for your sinus, for your thyroid, and for your head problem, eyes problem. These pranayama can be done at any time, whenever you are free. You can sit on the bed, you can sit on the sofa, you can sit on the stair, veranda, upstairs, anywhere you can do it. Just you have to sit straight, concentrate on your breathing, sit straight so that your lungs can expand as much as they can. Sit straight, close your eyes, breathe in and breathe out. जितना लंबा हम ब्रीथ इन करेंगे उतना ही लंबा हमें ब्रीथ आउट भी करना है। इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखना है। जैसे जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में ब्रीदिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सांस लेना और सांस छोड़ना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिससे हम प्राणायाम के फायदे पा सकते हैं। अगर हम सांस पे ध्यान नहीं देते हैं तो हम प्राणायाम के पूरे फायदे नहीं पा सकते। अभी हमने लंग्स से सांस लिया, ये था पहला प्राणायाम। अब दूसरे प्राणायाम में हम लोग पेट से सांस लेंगे। जब हम सांस लेंगे तो पेट बाहर आएगा और हम जब सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। ये दोनों प्राणायाम सांसों से जुड़ा हुआ है, इसे हम 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं। अब हम आते हैं अनुलोम विलोम के लिए। अनुलोम विलोम के लिए हम सीधा बैठेंगे, अपने हाथों का पंजा खोलेंगे, अंगूठे से एक नाक की होल्स को, छिद्र को बंद करेंगे और एक नाक से सांस लेंगे, दूसरे नाक से छोड़ेंगे, फिर दूसरे नाक से सांस लेंगे और पहले नाक से छोड़ेंगे। ये एक साइकिल होगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं। रेडी, सब लोग मेरे साथ करेंगे। अनुलोम विलोम को हम 5 से 10 बार कर सकते हैं। अनुलोम विलोम सबसे अच्छा प्राणायाम है। इसे अगर आपको साइनस है, जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होता है, अगर आप एनर्जेटिक हैं कि मौसम बदलने पे आपको सर्दी जुकाम पकड़ लेता है, आपके गले में खराश होने लगती है, तो अनुलोम विलोम सबसे अच्छा प्राणायाम है। आप इसको रोज कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा करे। सीधा बैठना है, आराम से सीधा बैठ जाइए और सांसों पे ध्यान दीजिए। ये हो गया तीसरा प्राणायाम। अब हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी के लिए हमें दोनों हाथों के पंजों को खोलना है, अंगूठे से कान को दबाना है, पहला फिंगर, पहली उंगली जो है आईब्रोज के ऊपर, दूसरी आंखें बंद, तीसरी नोस्ट्रिल्स के ऊपर,
चौथी लिप्स के नीचे, सांस अंदर लेते हुए, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो भौंने की आवाज आनी चाहिए, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हमिंग साउंड आनी चाहिए, जैसा भौंरा बोलता है वैसे। सब मेरे साथ करेंगे, हम लोग इसको 5 बार दोहराएंगे। Thank you all.